अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज ही हम बनाने लगे हैं ईद के लिए एक बहुत ही मज़ेदार मीठा रबड़ी वाली खीर। बहुत झटपट बनकर बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाती है और इतनी मज़े की बनती है कि ईद के मीठे के अंदर आपकी वाह वाह होने वाली है। स्टार्ट करते हैं जी रेसिपी को। एक साफ़ सुथरे बर्तन में हम डाल लेंगे 1.5 लीटर दूध, साथ ही हम भिगो के रख लेंगे 4 बड़े चम्मच चावल के। ठीक है, चावल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, टोटा भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेला ना करना, ठीक है। बाकी कोई सा भी चावल आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जी हमने अच्छी तरह से धो के इसको रख देना है साइड पे, जब तक दूध को उबाला नहीं आ रहा तब तक इनफ होगा इसका भीगना। अच्छी तरह से चावल को धोना है, ये शर्त पक्की है, क्योंकि इसके अंदर से चावल की एक मखसूस सी जो स्मेल होती है ना, वो नहीं आनी चाहिए। साथ ही हम ले लेंगे 1 कटोरी पानी। आगे आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। 3 इलायचियां हैं, 3 इलायचियों का मुंह खोल के हमने दाने इसमें शामिल कर देने हैं। अगर आप पाउडर यूज़ करना चाहते हो तो 1/2 टीस्पून आप इलायची का पाउडर यूज़ कर लेना। ये जी जैसे ही दूध को एक बॉयल आएगा, साथ ही हमने चावलों को इस तरह अच्छी तरह से मसल के इसके अंदर शामिल कर देना है। साथ ही इसमें हमने डाल देना है वो 1 कटोरी पानी जो हमने पहले साथ रखा हुआ था। इससे क्या होता है कि दूध ने अब पकना है, जिस तरह एक बॉयल आ जाएगा ना, हमने दूध को पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटा। बिल्कुल दम वाली आग के ऊपर हमने दूध को बिल्कुल ऐसे पड़ा ही देना है, उसने खुद ही पकना है, खुद ही उसकी रबड़ी बनकर तैयार होगी। एहतियात आपने सिर्फ और सिर्फ इतनी करनी है कि ढक्कन को थोड़ा सा साइड पे टेढ़ा करके रखना है, नहीं तो ढक्कन अगर उसके ऊपर होगा ना तो फिर सारा दूध बाहर गिर जाएगा। ठीक है, बस ये छोटी सी एहतियात है। ये जी जब तक हम ये काम करें तब तक मैं आपको याद दिला दूँ कि यूट्यूब की इस बड़ी सी दुनिया में छोटी छोटी आसान रेसिपीज और रेमेडीज वाला चैनल आप घूमना कर दें, उसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को क्लिक करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी दोस्ती ज़्यादा मजबूत हो सके और आने वाली कोई भी नई वीडियो मिस आउट ना करें। ये जी पूरे 1 घंटा पकने के बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन है दूध की, अच्छी तरह से कड़ चुका है, इसकी रबड़ी इसके अंदर बन चुकी है। 4 बड़े चम्मच चीनी के मैंने शामिल किए हैं, ये इसके लिए परफेक्ट मीठा है। अगर आप कम करना चाहो तो 3 चम्मच कर लो, ज़्यादा करना चाहो तो 5 चम्मच कर लो। ठीक है, अब जी हमने इस तरह से चावलों को अच्छी तरह से साइड पे मसल मसल के इसके अंदर शामिल करना है। इससे क्या होगा, जो साइड पे लगी हुई रबड़ी है, खुश्क दूध है जिसका असल खोए जैसा फ्लेवर आता है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा और इस पॉइंट पर हमारी जो ज़बरदस्त रबड़ी वाली खीर है वो बनकर हो चुकी हुई है तैयार। आप अपनी पसंद से इसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया जाता क्योंकि जिस टाइम पे खीर पड़ी रहती है ना तो ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। ये जी अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से गार्निश। बादाम है और पिस्ते हैं, आप जिस भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये थी जी ईद की बहुत मज़ेदार रेसिपी जो कि मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मस्त लाइक कर दें, कभी पहले से कमेंट छोड़ दें, कुछ पूछना है तो पूछ लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत सी रेसिपीज़ अपलोडेड हैं। अगर आप शीर हुरमा बनाना चाहते हो उसकी भी रेसिपी अपलोडेड है, अगर आप सूजी के गुलाब जामुन बनाना चाहते हो बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल के ऊपर। मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।